तो अगर आपको भी ऐसी फ़ोटो एडिट करनी है ऐसे से ऐसी फ़ोटो, तो बिल्कुल सिंपल स्टेप है। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का, इसको आप डाउनलोड कर लेना और वहाँ से जो है इसको ले लेना। तो देखिए इस फ़ोटो को मैं जो रीस्टार्ट कर देता हूँ एडिटिंग के लिए, सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो है हमारा स्टेप इसमें जो है इस फ़ोटो को सही शेप में कटिंग करना। तो कटिंग टूल ये रहा, इसके ऊपर टच करके कस्टम के ऊपर जाएंगे हम और हमारे हिसाब से इसको कट कर लेंगे। ओके राइट। उसके बाद हम जो है यहाँ पर इफ़ेक्ट्स के ऊपर जाएंगे, डेज को कर देंगे हम यहाँ पर लगभग 70 के आसपास कर देंगे, क्लियरिटी को भी 70 कर देंगे और टेक्सचर को भी 70 कर देंगे, 70-76 जो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हम जो है सेलेक्टिव में जाएंगे, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ सेलेक्टिव कहाँ पर आता है। ये देखिए सेलेक्टिव, इसके ऊपर हम जाएंगे और ऊपर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और चौकोंड या डब्बा है इसके ऊपर टिक करेंगे, एक इधर ऐसे करेंगे और उसके ऊपर टिक करेंगे, एक और चौकोंड डब्बा लेंगे और लेंगे, ऐसे चारों कोनों में कर देंगे। ओके, अब इन चारों डब्बों में हमको क्या करना है, इस डब्बे को इसको टिक करना है और लाइट के सेक्शन में जाना है और ब्राइट इस हाईलाइट को जो है लगभग 40 के आसपास कर देना है, शेडो को जो है -19 कर देना है और ब्लैक को जो है -17 कर देना है। ओके, ये सारे इन सारे डब्बों में ये सेटिंग को अप्लाई कर देना है। ओके, अप्लाई करने के बाद ऊपर राइट क्लिक करके बाहर आ जाना है। अब हमारा जो स्टेप है वो स्टेप ये है, लाइट के अंदर हम जाएंगे, यहाँ से हाईलाइट बढ़ा देंगे और वाइट को जो है घटा देंगे, ब्लैक को घटा देंगे, इनमें जो है वाइट को हम 37 के ऊपर कर देंगे, 30 के ऊपर कर देंगे और ब्लैक को 27 के ऊपर कर देंगे और हाईलाइट 40 के ऊपर कर देंगे। एक्सपोजर जो है थोड़ा सा डाउन करेंगे हम, जो कि होगा हमारा लगभग -33 केल्विन। उसके बाद जो है ये लाइट के सामने जो है क्रू का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर हम जाएंगे और इस क्रू लाइन को जो है थोड़ा सा नीचे की साइड में करेंगे। ओके, बाद में ये जो ब्लू वाला आइकन है इसके ऊपर टिक करेंगे और कलर हमारा जो है एडजस्ट करेंगे। आप इसको थोड़ा सा सीखेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हम जाएंगे वापस सेलेक्टिव में, प्लस के आइकन पर दबाएंगे और गोलाकार को हम सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। टेक्सचर को बढ़ाएंगे यहाँ पर और कलर को जो है हम अब हमारे हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। ओके, हो गया हमारा कलर। और डेज को हम देख लेते हैं कैसा रखेंगे, डेज को थोड़ा सा घटाएंगे। ओके, रेडी टू गो है। अब हमारा जो फाइनल स्टेज है वो है डिटेल में हम जाएंगे, शार्पनेस बढ़ा देंगे, रेड्यूस बढ़ा देंगे, डिटेल बढ़ा देंगे। शार्पनेस जो होगी 84 होगी और रेड्यूस जो है 1.7 और 57 के ऊपर जो है डिटेल हम कर देंगे। यहाँ पर कलर नॉइस रिडक्शन जो है हम 80 कर देंगे और सब सेम ही सेटिंग रहने देंगे। लगभग देखिए इमेज जो है रेडी है, थोड़ा बहुत और कलर करप्शन करेंगे तो ये जो है उसी कलर में आ जाएगी, लगभग 90% तो आ चुकी है। और थोड़ा बहुत जो होता है ना उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपको कलर में जाना है, मिक्सिंग में जाना है और कलर मिक्स के सामने ये देखिए गोल गोल करके चार आइकन बने हुए हैं तीरों के, इसके ऊपर टिक करना है। तो यहाँ पर HUE के ऊपर टिक करना है और यहाँ से इस फूल पत्ती इस फूल का जो है कलर अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये सेचुरेशन के ऊपर टिक करेंगे, तो जहाँ पर उंगली रखकर हम उंगली को ऊपर नीचे स्क्रीन के ऊपर करेंगे तो वो कलर उस हिसाब से फ्लैक्चुएट होता रहेगा। ये देखिए इमेज कुछ हद तक काफ़ी अच्छी हो चुकी है। अब हम जो है लुमिनस के ऊपर जाएंगे और इस फूल का जो है कलर थोड़ा सा ब्राइट करेंगे और बैकग्राउंड को जो है थोड़ा सा ब्लैक करेंगे।
आपके सामने फ़ोटो है, किस हालत से किस हालत में आ गई ये फ़ोटो। इसको सेव करने के लिए ऊपर की साइड में जो शेयर का ऑप्शन है उसके ऊपर टिक करेंगे और सेव टू डिवाइस में जाएंगे। इसको जो एक मिनट भी लग सकता है, अलग अलग ग्राफिक के ऊपर डिपेंड करता है कि इतने देर में जो फ़ोटो सेव हो। इस एप्लीकेशन का नाम है अडोबी लाइटरूम, बहुत फेमस एप्लीकेशन है, सभी कंप्यूटर में फोटोग्राफी के लिए इसी एप्लीकेशन का यूज़ में लिया जाता है। ये एक एंड्रॉयड डिवाइस में चलती है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और आपको दो एप्लीकेशन दूंगा मैं, उन दोनों को डाउनलोड कर लेना, बस हो जाएगा आपका काम।